इंडियन वेडिंग मोमेंट्स बहुत मेमोरेबल होते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी की शादी का कोई ना कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है। आइए आज के इस वीडियो के थ्रू हम भी आपको शादियों के शानदार माहौल में ले चलते हैं, जिसे देखकर आपको भी चाचा, मामा, भुआ, मौसी या फिर किसी दोस्त की शादी के दिन याद आ जाएंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शादियों में दूल्हा दुल्हन के दोस्त भी टशन में रहते हैं। यहाँ दूल्हे का ये दोस्त खास स्टाइल में गिफ्ट देकर नई भाभी जी को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन इसके लिए वो जैसे ही स्टंट करता है वैसे ही औंधे मुंह स्टेज पर दे धड़ाम गिर जाता है। स्टंट फेल और देवर जी भाई भाभी के कदमों में। लेकिन बंदे का टशन तो देखिए, जो गिरते ही घुटनों पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे भाई, कहीं चोट लगी है तो सहला लो, नहीं तो सूजन आ जाएगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मम्मी, मम्मी गे, मम्मी, पापा, अरे भैया। इस दुल्हन का ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विदाई के वक्त ये जोर जोर से रोते हुए बच्चों की तरह मम्मी मम्मी बोलती सुनाई दे रही है। इस वीडियो को देखकर लोगों के फनी रिएक्शंस आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि मैं रोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हंसी नहीं रुक रही। तो वहीं एक कमेंट आया कि तुम्हारा रोना देखकर मुझे हंसी आ गई, कितनी बुरी हूँ मैं। एक और यूजर ने लिखा है कि ये अपने मुल्क के लिए बॉम्ब जैकेट पहनकर शहीद होने जा रही है। एक और यूजर ने फनी कमेंट करते हुए लिखा कि कैमरामैन, रिकॉर्डिंग रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ तो शादी के बाद इस दूल्हे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। न जाने इसे अचानक क्या सूझी कि जूते उतारकर जोर जोर से नाचने लगा। इसकी ये हरकतें देखकर तो दुल्हन ही डर गई। अबे काहे खुश हो रहे हो इतना, समझ रहे हो ना। यहाँ शादी के बाद घर का कलेश आसमान में उड़ रही फ्लाइट तक जा पहुंचा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी अपने पति पर हाथ उठा देती है, जिसके बाद पति एयर होस्टेस से उसकी कंप्लेन करने लगता है। मैडम, मेरी बीवी कलेश कर रही है, मुझे बचाना प्लीज। मैडम, मेरी बीवी कलेश कर रही है, बताना मेरे को प्लीज। इस आदमी की यह कंप्लेन सुनकर अगल बगल के बैठे लोग हंसने लगते हैं और पत्नी हाथ से अपना मुंह छिपाने लगती है। इसके बाद भी जब एयर होस्टेस नहीं आती तो वो एक बार और शिकायत करता है कि मैडम, बीबी कलेश कर रही है मेरी। मैडम, बीबी कलेश कर रही है मेरी। अपने पति की ये हरकत देखकर उसकी पत्नी भी हंस पड़ती है, साथ ही आसपास बैठे लोग भी हंस पड़ते हैं। वुमेन। यहाँ इस शादी में फेरों के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसे में दूल्हे दुल्हन तो फेरों में बिजी थे, वहीं यहाँ शादी में पहुंचे लोग अरेंजमेंट संभालने की बजाय गद्दे ओढ़कर खाने पर टूट पड़े। वहीं कुछ और मेहमान गद्दों को ओढ़कर बातों का लुफ्त उठाने में मशगूल नजर आए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कई बार इंडियन वेडिंग्स में खाने की जगहों पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जैसे कि इस डोसा काउंटर पर हो रहे हैं। एक तरफ तो डोसा सिक रहा है, दूसरी तरफ डोसा उठाने का कंपटीशन चल रहा है। कुछ महारथी तो गर्म तवे से ही डोसा पार कर दे रहे हैं। इस मंजर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इस शादी के बाद पृथ्वी पर कभी डोसा ही नहीं बनेगा। कंट्रोल, कंट्रोल। भारतीय शादियों में खाने की इतनी बर्बादी होती है कि बता नहीं सकते, जिसे रोकने के लिए यहाँ एक शानदार प्लानिंग की गई है। दरअसल अरेंजमेंट देखने वाले लोगों ने प्लेट डालने वाले कंटेनर के पास इस बंदे को खड़ा कर दिया है, जो जूठा छोड़ने पर प्लेट रखने के लिए मना कर दे रहा है। जे बात, अब छोड़ो प्लेट में जूठा। क्या बात?
इस कपल को इतनी जल्दी थी कि वरमाला पहनाने के चक्कर में आपस में ही उलझ गए। बाद में उन्हें सुलझाने के लिए दोस्तों की मदद लेनी पड़ी, तब कहीं जाकर ये जंजाल से बाहर निकल पाए। गजब बेइज्जती है। यहाँ तो दूल्हे के दोस्तों पर ये दुल्हन इतना गुस्सा हुई कि स्टेज से ही घूरने लगी। बेचारे दूल्हे की हालत तो देखो जरा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ इस दुल्हनिया को अपने 10 फुट लंबे दूल्हे को वरमाला पहनाना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा। ऊपर से दूल्हे राजा अकड़ कर खड़े हैं। अब करें तो क्या करें। ऐसे में दुल्हनिया ने एक रास्ता निकाला। उसने एक ऊंची छलांग लगाई और दूल्हे मियाँ के गले में वरमाला अटका डाली। हाई शाबाश। दक्षिण भारत के एक शादी में दूल्हा दुल्हन की रस्म चल रही थी, तभी यहाँ अचानक एक बंदर आ जाता है जो पहले तो दूल्हा और फिर दुल्हन के सिर पर कूदते हुए वहाँ से भाग जाता है। ये देख पहले तो सब घबरा जाते हैं, फिर ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। इस बिन बुलाए मेहमान ने इस वेडिंग मोमेंट को मेमोरेबल बना दिया। वेडिंग फंक्शंस कई दिनों तक चलते हैं, जिसके कारण थकान होना तो लाजमी है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, वरमाला और फिर शादी के फेरे। कई बार तो लगातार जगने की वजह से दुल्हा दुल्हन रस्मों के दौरान ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। यहाँ इस दुल्हन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उधर पंडित जी बार बार दुल्हन को फेरों के लिए बुला रहे हैं, इधर दुल्हन रूम में घोड़े बेचकर सो रही है। इसी तरह यहाँ ये दुल्हन तो शादी के मंडप में फेरों के दौरान ही झपकियां लेने लगी। उफ, ये थकान और ये कमबख्त नींद जो इंसल्ट कराए कि यहाँ शादी के मंडप पर फेरों की रस्में पूरी की जा रही हैं। इस दौरान पंडित जी दुल्हा दुल्हन से कुछ ऐसे वचन करा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको भी बड़ा मजा आने वाला है। जरा सुनिए तो। जितना भी धन, धान्य, मधुर पदार्थ, विवाह भोजन आदि की वस्तुएं जो कुछ घर में लाए, ये सब मेरे को अर्पण करना होगा। आपने बगीचे में अकेले नहीं जाना है, शराबियों के अड्डे पर कभी नहीं, और फालतू का नहीं हंसना होगा। घर से बाहर कभी शयन नहीं करना होगा। सोने के लिए दूसरे के घर नहीं जाना होगा। इसी तरह इस पंडित जी के भी हंसाने वाले ये वचन सुनते जाइए। स्त्री जाति को अकेले नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं साथ में डॉक्यूमेंट। एक हरियाणवी शादी में भी पंडित जी ने दुल्हन से ऐसा वचन दिलवाया जिसे सुन पूरा मंडल ठहाकों से गूंज उठा। नंगड़ा बरेल नहीं बनावेगी। यहाँ शादी के मंडप में ये सालियाँ अपने जीजू से शायरी की फरमाइश कर रही थी। इसके बाद तो भाई दूल्हे राजा ने ऐसा शेर सुनाया कि वहाँ मौजूद सब लोगों की हंसी छूट गई और दुल्हनिया शर्म से लाल हो गई। कान में कच्चा, कच्चे में चूना, 21 में ब्याह, 22 में मुन्ना। यहाँ विवाह संपूर्ण होने के बाद पंडित दूल्हे से दुल्हन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आज से ये आपकी डीपी हुई। अब इस डीपी का मतलब क्या होता है ये आप इन पंडित जी से ही समझ लीजिए। आज से ये आपकी डीपी हो चुकी है। डीपी बोले तो डिस्प्ले पिक्चर नहीं, धर्म पत्नी। जूते चुराई की रस्म तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस दूल्हे की सालियों ने तो एक नई रस्म ही शुरू कर दी। ये नटखट सालियां दूल्हे के लिए गिलास में स्ट्रॉ डालकर दूध लाई, जिसके लिए दूल्हे से नेक मांगने लगी। इनकी चालाकी तो देखो, इन्होंने एक व्हील कोट बनवाया, उस पर महंगे महंगे गिफ्ट्स और पैसे भी खुद ही डिजाइन करके लिखे हैं। अब जब दूल्हे राजा को इसे घुमाने को कहा गया तो व्हील बोर्ड भी सीधा 85,000 पर जाके रुका। अब बेचारे दूल्हे को इन सालियों के आगे हार माननी ही पड़ी। ओह माय गॉड, ये दुल्हनिया अचानक चिल्लाने क्यों लगी?
दूल्हे राजा के भी होश फाकता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? अगर आपको लगता है कि वेडिंग फोटोग्राफर बनना आसान काम है तो ये वीडियो देख लीजिए। ये फोटोग्राफर साहब फोटो शूट करने में इतने खो गए कि उन्हें अपने पीछे स्विमिंग पूल होने का जरा भी ख्याल नहीं रहा और कैमरे सहित ही स्विमिंग पूल में समा गए। ये तो हुई शादीशुदा लोगों की बात, अब जरा महाराष्ट्र के इन कुंवारों की व्यथा कथा भी सुनते जाइए। जिन्होंने सोलापुर में कुंवारों के हित में एक मार्च निकाला है। इस दौरान वे घोड़ी पर चढ़कर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और सरकार से उनके लिए दुल्हनिया ढूंढने की गुहार लगाई। ये हुई ना बात, जय हो कुंवारा ऑर्गेनाइजेशन की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।